जनित वियोग विपत्ति समनासी, अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए, लंबे वियोग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है, हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था।